रणबीर अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। उनके पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है हमलावर को ढूंढना और बदला लेना। इस 3.5 घंटे की फिल्म को अगर देखने जा रहे हो तो लॉजिक घर पे छोड़ के जाना। हाँ, एंटरटेनमेंट काफी मिलेगा। फर्स्ट हाफ बढ़िया है, सेकंड हाफ बोर करेगा, लेकिन क्लाइमेक्स सीन कमाल का है। फिल्म में डिस्टर्बिंग सीन्स है, खून खराबा भी बहुत है, कुछ सीन्स आपको डरा भी सकते हैं। बॉबी देओल का रोल काफी कम है, लेकिन जितना भी है बढ़िया है। रणबीर फिल्म की जान है, उनकी एक्टिंग कमाल है। रश्मिका भी इम्प्रेस करती है, गाने शानदार है। कमजोर दिल वालों के लिए यह फिल्म बिल्कुल नहीं है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत जाना। आप एक अलग तरह की थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म को हम देते हैं 5 में से 3 स्टार। सैम बहादुर फिल्म में आपको 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग जिताने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन की यात्रा देखने को मिलेगी। डायरेक्टर मेघना गुलजार की इस फिल्म में आपको सिर्फ वॉर नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आप सैम के जीवन को करीब से देख भी पाओगे। फिल्म आपको आखिर तक जकड़ के रखती है। विकी कौशल ने जबरदस्त एक्टिंग की है। उनकी वाइफ के रोल में सान्या मल्होत्रा की और इंदिरा गांधी के रोल में फातिमा सना शेख की एक्टिंग कमाल की है। फिल्म का कैमरा वर्क, स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी कमाल का है। फिल्म में सैम बहादुर के जमाने को बखूबी से दिखाया गया है। फिल्म का म्यूजिक कमाल का है। इतनी सी बात है, रब का बंदा जैसे गाने शानदार है। इसे हम फिल्म नहीं, इंडियन हीरो सैम मानेकशॉ के लिए सच्ची श्रद्धांजलि कह सकते हैं। हर इंडियन को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसे हम देते हैं 5 में से 4.5 स्टार।